जी, तो आज हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। सबसे पहले डोमेन क्या होता है? डोमेन की डेफिनेशन है, द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। डोमेन एक सेट होता है फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर में उनका सेट होता है। डोमेन ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट होता है डोमेन। उसके बाद है रेंज। रेंज क्या होता है, मैं इसके एग्जांपल भी करूँगा। तो पहले हम उसके बाद हम रेंज की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। रेंज रेंज क्या होता है, रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। रेंज जो होता है सेट होता है सेकंड एलिमेंट्स का जो कि ऑर्डर पेयर में होते हैं। अब ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अगली वीडियो में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में की थी उसमें मैंने बताया था कि ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हम दो सेट लेते हैं, एक ए उसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, ठीक है। और उसके बाद हम सेट लेते हैं बी, उसके एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम करेंगे ए क्रॉस बी। अब फर्स्ट फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट हो गया, और उसका फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट से, यानी बी से। उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट लेंगे फर्स्ट सेट का, 2 है, और ये फर्स्ट सेकंड एलिमेंट के सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट से। तो ये जो है इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गई। अब ये जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये पेयर है, ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ये 4 जो हैं इसे हम ऑर्डर पेयर कहेंगे। अब बात करेंगे हम अपनी जो टॉपिक है डोमेन की। डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना उसे क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट है ऑर्डर, ये एक ऑर्डर पेयर है, इसमें ये जो 1 है ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, ये डोमेन कहेंगे। उसके बाद दूसरे ऑर्डर पेयर में क्या है, 1 है, तो हम इसे डोमेन कहेंगे। मतलब कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आता है उसे हम डोमेन कहते हैं, और सेकंड ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट आता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ए है ये रेंज है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये जो बी है ये रेंज है। सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर में रेंज कहलाता है, और फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर में वो क्या होता है, वो होता है डोमेन। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये 2 है, ये फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, तो ये जो है हम कहेंगे डोमेन। और ये 2 जो है, 2 फर्स्ट है और सेकंड जो है ए है, ये एक ऑर्डर पेयर है, और इसमें जो सेकंड एलिमेंट है ए है, तो सेकंड एलिमेंट को हम डेफिनेशन के मुताबिक क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।